अमरीका चीन के खिलाफ आलमी सतह पर इत्तेहाद का ख्वाह है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं कि चीन कोरोना वायरस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। माइक पोम्पियो ने चीन पर कोरोना वायरस की वबा को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका इससे निमटने के लिए आलमी सतह पर इत्तेहाद का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त फैसला है क्योंकि इसके बाइस अहम मवाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में जाने से बच गया। चीन को जारियत पसंद करार देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने मैरीटाइम से मुतल्लिक गैर कानूनी दावे किए, हिमालयाई ममालिक को बेवकूफ बनाया, कोरोना की वबा को छुपाया और शर्मनाक तरीके से इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। माइक पोम्पियो ने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि हम एक इत्तेहाद तश्कील दे सकेंगे जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को समझे और इसको समझा सके कि इस तरह का रवैया उनके बेहतर मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी और जमहूरियत पसंद अक्वाम के हवाले से चाहते हैं कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को समझें। पोम्पियो ने चीन पर कोरोना वायरस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम आयद किए लेकिन इससे मुतल्लिक कोई सबूत देने से कासिर रहे।